दिस एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल थोड़ा केयरफुली पढ़िए क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस दी है. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. इसका क्या मतलब है? देखिए, अभी एक एग्जाम है, उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर एक बच्चे का एक आंसर करेक्ट है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर उसका एक आंसर रॉन्ग है तो उसका 1 मार्क्स कम हो जाएगा, लूजिंग 1 मार्क. ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर ये रूल लगता है तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? 40. ठीक है, तो ये है फर्स्ट रूल. अभी अगर और एक सेकंड रूल है, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. अभी उसको एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, डिडक्टेड यानी कम होना, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. तो उसका अगर एक आंसर इनकरेक्ट है तो उसके 2 मार्क्स कम हो जाएंगे. तो अगर ऐसे सिस्टम, ऐसे रूल अप्लाई करते हैं देन यश वुड हैव बीन स्कोर्ड 50 मार्क्स. ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट. अभी देखिए, लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ के तो लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमें 2 वेरिएबल्स यूज करना ही है. ओके, तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज कौन सी है जिसके लिए हम x और y यूज करेंगे, तो हमें ये नहीं पता है कि उसके कितने करेक्ट आंसर्स है, यानी ऐसे क्वेश्चंस कितने हैं जिसके आंसर्स करेक्ट है और ऐसे कितने क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स रॉन्ग है. तो ये अननोन क्वांटिटीज है, तो हम एक काम करेंगे, वो दोनों के लिए x और y वेरिएबल यूज करेंगे. ओके, नाउ सपोज लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुज आंसर आर करेक्ट. ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर्स करेक्ट है वो क्वेश्चंस है एक्स. ओके, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यश ने रॉन्ग लिखा है, हुज आंसर आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट मीन्स रॉन्ग. तो ऐसे क्वेश्चंस कितने हैं? वाई है. ओके, और टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे टेस्ट में? फिर एक्स प्लस वाई. ठीक है ना, यानी यश ने एक्स क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, यानी एक्स क्वेश्चंस के आंसर उसने करेक्ट लिखे हैं, और वाई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके आंसर्स उसे नहीं आए, यानी वो आंसर्स इनकरेक्ट थे. तो टोटल क्वेश्चंस हो गए एक्स प्लस वाई. अभी अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हम आराम से बता सकते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट. आई बात समझ में? ओके, अभी देखिए, फर्स्ट कंडीशन से हम फर्स्ट लीनियर इक्वेशन तैयार करेंगे. अभी उसको 40 मार्क्स कब कैसे मिलते हैं? देखिए, एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स, एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स, तो एक्स करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 3x. आई बात समझ में? अगर आपका एक आंसर करेक्ट है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर 2 आंसर करेक्ट है तो उसको 6 मार्क्स मिलेंगे, अगर 3 आंसर करेक्ट है तो उसको 9 मार्क्स मिलेंगे, अगर उसके x आंसर करेक्ट है तो उसको 3x मार्क्स मिलेंगे. ये 6 कैसे आया है? 3 × 2. ये 9 कैसे आया है? 3 × 3. तो इस तरह से ये है x क्वेश्चंस के आंसर जो करेक्ट है ना, उसके ये मार्क्स है. ओके, ठीक है, अभी करेक्ट आंसर के मार्क्स तो मिल गए एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. देखिए, अगर एक आंसर रॉन्ग हो गया तो उसका 1 मार्क गया. ओके, तो उसके अगर y आंसर्स रॉन्ग हुए तो उसके कितने मार्क्स जाने चाहिए? y, और कम होता है, लूज होता है, इसका मतलब हम माइनस करते हैं, तो माइनस वाई. आई बात समझ में? अगर उसका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसके कितने मार्क्स जाएंगे, डिडक्ट होंगे? 1. डिडक्ट होते हैं इसलिए हम उसको माइनस लिखते हैं.
ठीक है, और अगर उसके वाई आंसर्स रॉन्ग होते हैं तो उसके निगेटिव वन इंटू वाई इज इक्वल टू निगेटिव वाई मार्क्स कम हो जाएंगे। समझ में आया ना? देखिए, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो एक मार्क जाएगा, दो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो टू मार्क्स जाएंगे, थ्री क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो थ्री मार्क्स जाएंगे। अगर वाई क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो वाई मार्क्स नहीं जाएंगे, और वाई मार्क्स कट होंगे इसलिए हमने यहाँ पे माइनस वाई किया। और ऐसे होने के बाद ये टोटल, ये भी मार्क्स है, ये मार्क्स कौन से है जो आंसर्स उसके करेक्ट है, और ये मार्क्स जो आंसर्स उसके रॉन्ग है। ओके, तो उसके टोटल मार्क्स हो गए 40 अगर हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं तो। आई बात समझ में? ठीक है, अभी नेक्स्ट कंडीशन एकदम इजी है। उसको एक करेक्ट आंसर के लिए अगर 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर एक आंसर करेक्ट है तो 4 मार्क्स, अगर दो आंसर करेक्ट है तो उसको 4 × 2 इज इक्वल टू 8 मार्क, अगर 3 आंसर करेक्ट है तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12 मार्क, अगर x आंसर करेक्ट है तो, x आंसर्स करेक्ट है तो 4 × x इज इक्वल टू 4x मार्क्स। दैट मीन्स उसको 4x मार्क्स मिल गए। ठीक है, तो यह है करेक्ट आंसर का। अभी रॉन्ग आंसर के लिए देखेंगे। देखिए, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, 2 मार्क्स कम हो गए। अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग है उसके 2 मार्क्स चले जाएंगे, अगर दो क्वेश्चंस उसके रॉन्ग है, दो क्वेश्चंस के आंसर उसके रॉन्ग है तो उसके 4 मार्क्स जाएंगे, 2 × 2 = 4। अगर 3 क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग है तो उसके 2 × 3 = 6 मार्क्स जाएंगे, और अगर उसके वाई आंसर्स इनकरेक्ट है तो उसके मार्क्स जाएंगे 2 × y = 2y, यानी ये मार्क्स उसके कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, सो -2y। और इस कंडीशन में उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? यश वुडहाउ स्कोर्ड 50 मार्क्स, उसको 50 मार्क्स मिलेंगे। आई बात समझ में? तो देखिए, रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स कट होते हैं इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है, अभी इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड बेटर है। ठीक है, अब देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इसमें हम एक काम करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट रिमूव। तो यहाँ पे देखिए, y का वेरिएबल नेगेटिव 1 है और y का वेरिएबल y का कोएफिशिएंट नेगेटिव 1 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट नेगेटिव 2 है, हमें सेम करना है, तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन 2 को। तो वो क्या होगा, देखिए, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, एंड सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अभी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि साइन हमको डिफरेंट चाहिए, तो ये निगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये भी बन जाएगा निगेटिव, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह से 2x इज इक्वल टू हो गया 30, सो x इज इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या कि ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर करेक्ट है वो क्वेश्चंस थे 15। अभी y की वैल्यू निकालेंगे, तो y यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं, ओके, 1 से, आप 2 से भी निकाल सकते हो लेकिन मैं 1 से निकालूंगी। तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, सो 3x माइनस, सॉरी, x की वैल्यू 15 रखना है ना, तो x की वैल्यू अगर 15 रखते हैं तो ये होता है 45 माइनस y इज इक्वल टू 40। अभी ये माइनस y उस साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस y, और ये 45 माइनस 40, तो इस तरह से y इज इक्वल टू 5, यानी उसके ऐसे क्वेश्चंस जो रॉन्ग है वो कितने हैं, 5। आई बात समझ में? सो हाउ मैनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 5 + 15 = 20, एंड देयरफॉर लास्ट में लिखना, देयर वेयर 20 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट 20 कहाँ से आया, ये 15 + 5, ओके.